हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। ज्योमेट्री में हम लोग कर रहे थे लाइंस और एंगल से रिलेटेड थ्योरम, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी हैव स्टार्टेड थ्योरम रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल। इन माय प्रीवियस वीडियो यू हैव बेटर अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांसवर्सल एंड हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस और टू लाइंस, सिंपल लाइंस। क्लियर? तो जितने भी एंगल्स बनते हैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, उसे हमने तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया था। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। हमने एक करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम भी देखा था, जिसके अकॉर्डिंग इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, या दिस एंगल एंड दिस एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ थ्योरम वन। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम वन। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लिया कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, और टी एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी को बी पॉइंट पे और सी डी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एक पेयर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। चलिए इसका नाम रख देते हैं वन एंड टू, और दूसरा एंगल, दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स ये हो सकता है दिस एंगल थ्री एंड दिस एंगल फोर। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट बी एंड सी डी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, मेकिंग टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वन टू एंड थ्री फोर। क्लियर, नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यू नो दैट एंगल टू इक्वल टू, चलिए इसका नाम रख लेते हैं एंगल फाइव। ठीक है, तो यू नो दैट एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव। कैसे? एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने पढ़ा था वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव। नेक्स्ट है एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव। अब आप देखो एंगल टू भी फाइव के इक्वल है और एंगल वन भी फाइव के इक्वल है, देयरफॉर एंगल टू इक्वल टू एंगल वन। क्लियर, सिमिलरली आप इसमें देख सकते हो हमें थ्री और फोर को भी इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसे हमने ऊपर किया एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हमें प्रूफ करना है, बट यू नो दैट एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सिक्स, इसे हम कर लेते हैं सिक्स। ठीक है, एंगल थ्री यू कैन राइट हियर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सिक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं. तो नाउ देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. क्लियर है? तो हमें यही प्रूफ करना था. नाउ प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4. मीन्स इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो नाउ प्रूव्ड दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. प्रूव्ड. क्लियर है? थैंक यू.